हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग का वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि आप लोग के सीनियर के एग्जाम थे तो मन लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा था अलग अलग सब्जेक्ट के, तो इसी कारण थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंगेज हो गया उसमें। तो अब आपको सी के वीडियो मिलते रहेंगे, तो कंटिन्यू देखते रहिए। जिनको भी सी में डाउट है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपके ऊपर उसके भी वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, फिबोनाची सीरीज और प्राइम नंबर के हम दो तरीके देखेंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं किस तरह से प्राइम नंबर बनाने के लिए। सेकेंड वाला तरीका ज्यादा बेस्ट होता है अगर एज ए प्रोग्रामर में देखूँ तो ज्यादा बकैती ना करते हुए चालू करते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आपने अगर मैथ से पढ़े हो तो आपको मालूम होगा कि अगर मैं 5 का फैक्टोरियल लिखूं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर 5 को इस तरह से फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 10 का फैक्टोरियल की बात करता हूं तो क्या होगा आपका, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब उस नंबर से जिसका फैक्टोरियल निकालना है उससे लेकर 1 तक के सारे नंबर को आपको जो है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको ये फैक्टोरियल हो गया। तो अगर एन होता तो एन का फैक्टोरियल का सेम वही होगा कि n × n-1, एन करके n-2 करके सबका मल्टीप्लाई कर देना। तो बेसिक सा यहाँ पर क्या है, अगर आप चाहे लूपिंग 1 से लेकर के n तक चलाओ या 1 n से लेकर के 1 तक चलाओ, बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा f=0, हमको सॉरी f=0 नहीं f=1। तो 1 को लेंगे क्योंकि 1 से कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है। 0 नहीं लेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई हो रहा, तो 0 लेंगे तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे बार बार 0 ही मिलेगा हमको। अगर लूपिंग चलाते मान लो आई की वैल्यू चलाएंगे तो हमारा 1 से लेकर कहाँ चलाएंगे, एन तक। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, f = क्या होगा, f × i। तो i की वैल्यू अगर 1 होगी, फर्स्ट यहां पर देखते हैं i की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारा f की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो f की वैल्यू होगी 1 × एफ की वैल्यू स्टार्ट में क्या है, 1 है, आई की वैल्यू 1, तो 1 × 1, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देन अगर आई की वैल्यू हमारे 2 होगी तो क्या होगा, तो आई एफ की वैल्यू 1 हो है इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो हम एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। देन आई की वैल्यू अगर 3 होगी तो क्या होगा, हमारा एफ की वैल्यू क्या है, 2 है, और आई की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 2 × 3 इसका आएगा 6। तो इसका मतलब एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। आई की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या है, 6 है, और i की वैल्यू क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा आपका, वो 24। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 24। इस तरह से i की वैल्यू जब आपका 5 होगा तो क्या होगा, तो 24 × 5 करेंगे तो आएगा 120। 120 तो f की वैल्यू हो जाएगी 120। सपोर्टेड आप n यहाँ पर जो ले रखे थे वो 5 ले रखे थे, तो 5 के बाद जब ये i की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक होने के बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम है जहां पर हमको आई थिंक, मुझे नहीं लगता जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो आई थिंक बेसिकली क्लियर होंगी। अब इसको प्रोग्राम देख लेते हैं थोड़ा और अच्छे से, आपको दिमाग में सारी चीजें घुस जाएंगी। तो यहाँ पर देखो कि तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर आई वेरिएबल या लूपिंग के लिए, एन हमारा जिस नंबर को हमको फैक्टोरियल निकालना वो लिया है, एफ हमारा जो है वो फैक्टोरियल काउंट करने के लिए लिया गया है। तो यहाँ हमने लिखा इंटर नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, तो एन हमको हमने रीड कर लिया। रीड करने के बाद हमने 1 से लेकर एन तक लूप चलाए, चाहे एन से लेकर 1 तक चलाओ, 1 से लेकर एन तक चलाओ, बोथ आर सेम, कोई दिक्कत वाली नहीं। f × y वही सेम क्या, आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 × 1 1 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो 1 × 2 उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरह करके लूप चलेगा आपका, ऑलरेडी जैसे एक्सप्लेन किया उसी तरह लूप चलेगा। और यहाँ पर फाइनल फैक्टोरियल f की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो मान लो 5 है तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120। कैलकुलेट करके देख लेते हैं रन करा के, तो अगर 5 होगा तो फैक्टोरियल क्या आएगा आपका, 120। सेम अगर मान लो 6 होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 720। जिस तरह से 120 × 6 करेंगे तो 720 आएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फैक्टोरियल का, आई थिंक भेजिए बात घुसी होगी, बहुत सिंपल है, वो बहुत टिपिकल चीजें नहीं। अब चलते हैं हमारा फिबोनाची सीरीज पे। फिबोनाची सीरीज क्या बोलता है आपका, कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है, तो सबसे पहले आता है 0, फिर 1, फिर 1, फिर 2, 3, 5, 8, 13। अब ये बन कैसे रहा, बन कैसे रहा है, यहाँ पर फर्स्ट टू देखो क्या 0 1 है, इनको ऐड करके आगे बना 1, फिर इन दोनों को ऐड करके क्या बना 2, फिर इन दोनों को ऐड करके क्या बना हमारा 3, फिर इन दोनों को ऐड करके क्या बना 5, इन दोनों को, तो
नेक्स्ट वाला टर्म जो होगा फर्स्ट टू टर्म को जो है ऐड करके बनाया जाएगा। तो फर्स्ट टू टर्म क्या है, जीरो एंड वन है। तो ये इस तरह से करके हमारा फिबोनाची सीरीज हमारा जो है वो आगे बढ़ता है। तो इस तरह से ये सीरीज को जनरेट करने के लिए करते हैं, एक वेरिएबल लिया मैंने, ए इक्वल टू लिखा माइनस वन और बी इक्वल टू हमने लिखा वन और सी वेरिएबल लिया। तो हम जब लिख करेंगे सी इक्वल टू करेंगे ए प्लस बी, तो सी ए में पड़ा हुआ माइनस वन, बी में पड़ा हुआ है वन, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सी की वैल्यू आएगी जीरो। अब जीरो को हम यहां कर देंगे प्रिंट, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, हम ए इक्वल टू करेंगे बी और बी इक्वल टू कर देंगे सी, और फिर यही सेम काम रिपीट करेंगे। इसका मतलब सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया जाएगा। तो अब ए में क्या पड़ा हुआ, बी में क्या पड़ा हुआ था, वन, तो वन चला गया ए में, और सी में क्या पड़ा हुआ था, जीरो, जीरो चला गया बी में। इसका मतलब यहां पर तो यहां ऐसे देख लो, ये ए है और ये बी है और ये सी है। सबसे पहले माइनस वन था, फिर इसकी वैल्यू वन थी, तो इसकी वैल्यू हमने ऐड करके जब ऐड किया तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो। फर्स्ट टाइम में हमारा ये था, जीरो को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। सेम उसके बाद हमने कहा कि इसकी वैल्यू इसमें चली आए और इसकी वैल्यू इसमें चली आए, तो इसमें आ गया वन, इसमें आ गया आपका जीरो। अब फिर से ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, वन प्लस जीरो करेंगे तो इसकी वैल्यू वन, तो यहाँ पर वन हमने प्रिंट कर दिया, तो वन हमारे यहाँ प्रिंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, फिर से ये रिपीट होगा, रिपीट होगा तो फिर से हमारा इसकी वैल्यू इसमें जाएगी और इसकी वैल्यू इसमें जाएगी, तो ये हमारा आ गया जीरो और ये फिर हमारा आ गया इसमें वन आ गया। तो फिर से हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी वन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर यहां से इसकी वैल्यू फिर से यहां पर ए में बी की वैल्यू लेंगे और बी में सी की वैल्यू लेंगे, तो यहां पर आ गया ये वन, यहां पर आ गया आपका वन, और यहां पर आपका जो ऐड करेंगे वन वन, तो यहाँ आएगा टू। तो इस यहाँ प्रिंट कर दिया था, यहाँ प्रिंट कर दिया था, टू आ गया। फिर चीज रिपीट होगी, तो ये इसकी वैल्यू इसमें जाएगी, ये इसकी वैल्यू इसमें जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वन यहाँ पर आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर टू हो जाएगी, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे इसकी वैल्यू थ्री आएगी। सेम चीज रिपीट कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू टू हो गई, इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू तो यहाँ से यहाँ गई, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, थ्री हो गई। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो फाइव आएगा। तो देखो यह ये सीरीज बन रही है, जीरो वन वन टू थ्री फाइव, जीरो वन वन टू थ्री फाइव। तो आगे नेक्स्ट टाइम में क्या होगा हमारा, इसकी वैल्यू यहाँ जाएगी, थ्री यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ये इसको प्रिंट कर देंगे, तो ये आपका सी बार बार प्रिंट होता रहेगा। तो आई थिंक ये चीजें आप इटरेशन समझ रहे होगे, यही चीजें इटरेशन में है, जहां पर ये यही कांसेप्ट आपको बार बार इटरेशन में डालना है, ठीक है। ये बार बार आपका लूपिंग चलता रहेगा इस तरह से। तो इसको आप प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम देखने से आइडिया क्लियर हो जाएगा आपका। तो प्रोग्राम हमारे पास फिबोनाची सीरीज का क्या है, यहाँ पर देखो हमने ए इक्वल टू माइनस वन लिया, बी इक्वल टू वन लिया, सी लिया है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे, आई हमारे इटरेशन के लिए है और एन हमारा नंबर ऑफ स्टेप है। नंबर स्टेप 10 चाहे तो 10 बार आपको ये आपको 10 बार चलेगा। तो यहाँ पर क्या, दो वन से लेकर 10 तक हमने जो भी एन जो भी इंटर करेगा यूजर वहां तक लूप चलेगा। सी को ऐड करके हमको प्रिंट कर दिया और ए इक्वल टू बी किया, बी इक्वल टू सी किया, और बार बार ये लूप चलता रहेगा, बार बार ये प्रिंट करता चला जाएगा। इसको रन करा के दिखा देते हैं आपको। तो रन कराया हमने, तो यहाँ पर लिखा 10 लिखा, तो 10 टाइम आपका ये चीजें प्रिंट हो गए। तो आई थिंक आइडिया क्लियर होगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एवं खुद से दो एक्चुअली प्रोग्राम को, जब तक आप लिख के खुद रन नहीं कराते हो, खुद ड्राई रन करके देखते हो। ड्राई रन मतलब जैसे मैंने यहाँ पर दो इसको रन करा के दिखाया कि ऐसे ऐसे ये आपका जो है स्टेशन चल रहा है। तो इसको जब तक ड्राई रन करके आप खुद नहीं देखोगे, तब तक आपको आइडिया क्लियर नहीं होता। प्रोग्रामिंग सिंपल है लेकिन प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरा वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। बस आइडिया लग जाएगा कैसे काम होता है। अगर आपने सेम टू सेम प्रोग्राम छापा और रन करा दिया तो आपको नहीं आने वाला है। आप जब तक खुद ही समझोगे कि अगर प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है, हर स्टेप में कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, तब तक आइडिया नहीं लगने वाला आपको। तो इसलिए पहले आपको समझना है, अप्रोच समझना है प्रोग्राम का, वो खुद से ट्राई करना है, फिर उसके बाद ड्राई रन का देखना है कि हर स्टेप में कैसे हर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो चीजें आइडिया आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइम नंबर के, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दो प्राइम नंबर के जनरली बुक में दो तरीके होते हैं, वो यूज कर किए जाते हैं प्राइम नंबर के लिए। मैं दोनों तरीके के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो पहला तरीका ये यूज किया जाता है कि सपोज दैट हमको एन है, एन इक्वल टू मान लो हमारे पास 13 है, तो हमको मालूम है 13 इज अ प्राइम नंबर।
तो मैं क्या करूंगा, वन से लेकर के एन, मतलब वन से लेकर एन होता है 1 2 3 4, इस तरह से करके आपका 13 तक हर एक नंबर से एन को डिवाइड करके चेक करूंगा कि रिमाइंडर जहां हमको 0 दे दे। तो हमको अगर मालूम है कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो अगर वो किसी नंबर से फुल्ली डिविजिबल का मतलब क्या है, अगर मैं बोलू 10 mod 5, अगर 10 जो है फुल 5 से फुल्ली डिविजिबल है जिसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि अगर हमारा एन जो है इनमें से किसी से फुली डिविजिबल है, इसका मतलब अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है मतलब वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है। तो यहां पर देखो प्राइम नंबर केस में क्या होगा कि अगर एन है तो एन हमारा 13 है तो ये 1 से डिवाइड होगा और या 13 से डिवाइड होगा, दो से ज्यादा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, या तो खुद से होता है या तो 1 से होता है। तो अगर ऐसे सिनेरियो में अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें काउंटर लगाएंगे। तो कुछ लूप इस तरह चलता है कि एक हम फॉर लूप लगा लिए, i=1 लिख लिए, i<= n लिख लिए और i++ लिख लिए। ठीक है, हम यहाँ चेक किए कि इफ एन मतलब जो नंबर है n mod i=0 अगर है तो C++ कर दो। ठीक है, और इस लूप के बाद हम चेक कर लिए कि इफ C=2 है तो ये प्राइम होगा और एल्स नॉट प्राइम, नॉट मैं प्रिंट करेंगे, इस तरह से लिखेंगे नहीं तो। ठीक है, प्राइम दो कैसे कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है आपका n=2 क्या, अगर n=2 हमने लिया 13 लिया तो यहां पर क्या होगा, n हमारा चालू होगा 1 से। ठीक है, 1 से i की वैल्यू 1 से चालू हुआ, अंदर आया एन मतलब 13 mod 1 का आई की वैल्यू क्या है, 1 है तो वह मॉड 1 करेंगे 0, रिमाइंडर 0 देगा, बिल्कुल 0 देगा। तो यहाँ इसका मतलब है सी की वैल्यू जो थी स्टार्ट में सी की वैल्यू लेंगे 0, तो सी की वैल्यू चेंज होकर के क्या होगी 1। फिर लूप ऊपर जाएगा तो 2 आएगा, तो 13 mod 2 करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 देगा, नहीं देगा, तो नहीं देगा तो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी नहीं। दोबारा जाएगा तो 13 mod 3 करेंगे तो रिमाइंडर 0 देगा, नहीं देगा, इसका मतलब फिर से वापस जाएगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो क्या हो जाएगी 4। तो इस तरह करते करते 4 से भी नहीं देगा, 5 से भी, यहाँ पर 5 से भी डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं देगा, 6 7 8 9 10, तो 13 से, लेकिन जब 13 mod 13 करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा हमको, 0 देगा, जिसका 0 दे रहा है इसका मतलब फिर से सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी आपकी वो 2 हो जाएगी, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि जब 13 के बाद जब आई की वैल्यू क्या होगी 14 हो जाएगी, तो यहाँ 14 इज नॉट लेस देन या इक्वल टू 13 है तो लूप ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद यहाँ पर सी इक्वल टू क्या आपका है वो जो क्या है सी के लिए 2 है क्योंकि दो ही नंबर से डिवाइड हुआ, इसका मतलब बोलेंगे प्राइम नंबर है। अगर इसी चीज को अगर इस तरह से कुछ देते हैं ही सेम करते हैं कि अगर मान लो सपोर्ट है, लिख देता हूँ फॉर आई इक्वल टू, याद कर लो रट्टा मारो 1i<= n i++, तो प्राइम नंबर बहुत जहां काम आता है, बहुत जहां। ठीक है, इसको याद रखना इफ इफ एन मॉड i=0 C++। ठीक है, अब लास्ट में नीचे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है नीचे अब कंडीशन था कि इफ हमारा, अच्छा लिख ही देता हूँ यार क्या आ जाता है, C=0 है तो प्राइम है, एल्स नॉट प्राइम। ठीक है, तो अब अगर मान लो n=10 है तो क्या होगा आपका, 10 होगा तो 1 से लेकर के हमको 10 तक लूप चलाना पड़ेगा, तो 1 से लेकर 10 तक लूप चलाए तो i की वैल्यू क्या है 1 है, तो n द 10 10 mod 1 = रिमाइंडर 0 दिया तो रिमाइंडर 0 दिया, कंडीशन सही है तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो गई आपकी चेंज होकर 1 हो गई। फिर 10 mod 2 किया तो रिमाइंडर फिर क्या 0 दिया, तो इसको 0 दिया तो इसके बाद c की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, सॉरी 2 हो गई। फिर 10 10 mod 3 दिया, रिमाइंडर 0 देगा नहीं तो सी की वैल्यू चेंज होगी नहीं कुछ। तो इसके बाद हमारा 10 mod 4 करेगा, रिमाइंडर फिर से 0 रह देगा, इसका मतलब फिर से सी की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। इन 10 mod 5 करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, ये 0 देगा, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी। तो अब 6 7 8 9 10 के लिए केवल देगा 10 mod 10
10 के लिए आपका जो है रिफ्रेशर रिमाइंडर 0 देगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सी की वैल्यू 4 हो गई, इसका मतलब क्या है, सी की वैल्यू 4 हो चुकी है, जब लूप ब्रेक होगा, तो सी इक्वल टू 0, सी को सेट 2 चेक करेंगे, सी इक्वल टू 2 नहीं है, इसका मतलब सी इक्वल टू 4, इसका मतलब ये क्या है, ये नंबर प्राइम नहीं है। इसका मतलब तो बेसिक से कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट क्या है, 1 से लेके n तक सारे नंबर से डिवाइड करना है, अगर केवल 2 बार डिवाइड हो रहा है तो हमको बता देना है कि हमारा क्या है, वो प्राइम नंबर है, अगर 2 से ज्यादा किसी नंबर से डिवाइड, किसी बीच से किसी और नंबर से डिवाइड हो गए, इसका मतलब वो नॉट प्राइम है। तो एक एक अप्रोच ये था, हो सकता था वीडियो लंबा जा रहा हो, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा अप्रोच समझाने में दिक्कत होती है, तो अच्छे समझाने के लिए हम यही काम किया। तो सेम हमने क्या किया, आई लिया, एन लिया, सी इक्वल टू 0 लिया, ठीक है, इंटर नंबर लिया जिसे हमको चेक करना है, तो 1 से लेकर एन तक लूप चलाया है, बार बार चेक, अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो सी को सी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, अगर सी इक्वल टू 2 है तो ये नंबर प्राइम होगा, अदरवाइज सी की वैल्यू किसी और से नंबर से डिवाइड हो गया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 2 से ज्यादा हो जाएगी, तो ये नंबर प्राइम हो जाएगा। इसको रन करा के देख लेते हैं, रन कराएंगे तो मान लो हमने लिखा 12, तो नंबर इज नॉट प्राइम, 12 आपका 2, 3, 4 तीनों से डिवाइड हो सकता है, और 1 से और 12 से डिवाइड होगा, 13 के लिए प्राइम नंबर दिखाएगा, 13 मान लो 13 से केवल डिवाइड होता है। तो एक तो अप्रोच ये था, ठीक है, ये बेसिक सा अप्रोच था, लेकिन दूसरा अप्रोच जो बताता हूं, दूसरा अप्रोच इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हमको नंबर ऑफ इटरेशन कम चलाने क्यों है, क्योंकि देखो अगर मान लो सपोर्ट डेट कोई नंबर n है, n में पड़ा हुआ 100, तो क्या 100 क्या 100 51 से डिवाइड हो सकता है, 52 से, 53 से, ठीक है, 53 से किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकता है ये। अब इसी बात है, कोई भी नंबर अपने से आधे से ज्यादा नहीं डिवाइड हो सकता, मान लो अगर n इक्वल टू 12 है तो 12 केवल वो मैक्सिमम जो डिवाइड होगा 1 से लेकर रखे 6 से ज्यादा नंबर से डिवाइड नहीं हो, 7 से डिवाइड हो सकता है, 10 से नहीं डिवाइड हो सकता है, तो इस तरह से नहीं डिवाइड हो सकता। इसका मतलब लूपिंग जो हमारी होगी वो हम क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल टू हम लगा देंगे, यहाँ पर डबल इक्वल नहीं लगा, आई इक्वल टू लगाएंगे और आई लेस देन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 लगाएंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे। तो यह इस अप्रोच में क्या होगा, इस अप्रोच में बोला जाता है कि हमको 2 से लेकर के एन डिवाइड बाई 2 तक, मतलब अगर हमको 12 को चेक करना है तो लूप चलेगा 2 से लेकर के 6 तक, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा, 6 तक लूप चलाना होगा। तो और हम साथ साथ चेक करेंगे कि अगर हमारा जो है n है, n मॉड अगर i हमारा वो डिवाइड होकर 0 दे देता है, मतलब इन दोनों, क्योंकि 1 को हमने कंसीडर ही नहीं किया है, तो 2 से लेकर के अगर बीच में किसी नंबर से डिवाइड होता है तो हम क्या करेंगे, एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू स्टार्ट में 0 होगी। तो फ्लैग ऐसा मत समझना कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, फ्लैग एक सिंपल सा वेरिएबल नेम है, फ्लैग मतलब क्या, झंडा गाड़ना, झंडा जैसा होता है लोग पहाड़ों पर जाते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ गया तो वहां पर हमने अपने कंट्री का फ्लैग लगा दिया। फ्लैग लगाने के लिए क्या होता है वो, कि हमने ये चीज हमने अचीव कर ली है, लोग जब राजा महाराजा जंग जीतते थे वहां क्या करते हैं, दूसरे एरिया में जीते तो वहां अपना फ्लैग लगा दिया, फ्लैग का मतलब कि हमने ये एरिया हमने जीत लिया है, तो फ्लैग का मतलब क्या है, ये चीजें मैंने अचीव की। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लैग की वैल्यू हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है, मतलब जस्ट वैल्यू चेंज कर देना आपको यहाँ पर, और यहाँ ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, ब्रेक कर जाएंगे, और यहाँ पर चेक करेंगे इफ फ्लैग इक्वल टू 0 है तो ये प्राइम होगा, मैं समझा रहे हैं, सबर करो, एल्स नॉट प्राइम होगा। अब दो समझने का तरीका देखो, n हमने लिया, मान लो n हमको 13 चेक करना है, 13 से चेक करना है, तो हमारा लूप जो चलेगा यहाँ पर 2 से लेकर के 6 से चलेगा, क्यों 2 से 6 तक क्यों चलेगा, 2 से लेकर के 6 से चलेगा क्यों चलेगा, n डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, 13 डिवाइड बाय 2 मतलब 6 आएगा, पॉइंट में लेना नहीं क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब दो, अब क्या होगा, n में पड़ा हुआ है 13 मॉड, पहले i की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, तो 13 मॉड 2 करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 देगा, नहीं देगा, फिर से ये लूप वापस जाएगा, तो अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, तो 13 मॉड 3 के रिमाइंडर क्या 0 देगा, नहीं देगा, फिर 13 मॉड 4 के रिमाइंडर क्या 0 देगा, नहीं देगा, फिर 13 मॉड 5 के रिमाइंडर क्या 0 देगा, नहीं देगा, 13 मॉड 6 के क्या रिमाइंडर 0 देगा, नहीं देगा। अब 6 के बाद क्योंकि 6 से लूप चला रहे थे, लूप ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद यहां पर आएगा, तो अब जब डिवाइड हुआ ही नहीं तो ये अंदर आया नहीं, इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू 1 हुई ही नहीं,
फ्लैग की वैल्यू 1 हुई नहीं, इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू 0 पहले थी वही रह गई, मतलब इस एरिया को हमने अचीव नहीं किया क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू 0 रह गई, इसका मतलब ये क्या प्राइम नंबर है। अगर मान लो कोई एक नंबर और कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने कंसीडर कर लिया कि हमको एन हमारा जो है 12 को डिवाइड कर चेक करना है, 12 को चेक करना। अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा, हमने किया 12 मॉड 2, 12 मॉड 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या, रिमाइंडर तुरंत 0 दे दिया, 2 जैसे 0 दिया यहाँ पर f की वैल्यू क्या हो गई, वो चेंज हो गई 1 हो गई और ब्रेक कर गया, ब्रेक करके बाहर आया, बाहर आया तो क्या फ्लैग की वैल्यू क्या 0 है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये नंबर नॉट प्राइम है। इसका मतलब जैसे किसी नंबर से ये डिवाइड होता है तुरंत भैया बाहर निकल लो, आप बता दो कि ये नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। तो फ्लैग की वैल्यू चेक करना, फ्लैग की वैल्यू चेंज हो इसका मतलब मामला गड़बड़ है, बस यही सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना है आपको। यहाँ पर देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, n i की वैल्यू i है, n है, फ्लैग की वैल्यू 0 रखी गई है, c के c यहाँ लेने की जरूरत नहीं, सी गलती से ले लिया मैंने, c की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबर इंटर किया, यहाँ 2 से लेकर n डिवाइड बाई 2 तक लूप चलाया, हम चेक किया कि n वालों 12 है, 12 मॉड 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 दे देगा, तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, ब्रेक करके बाहर निकला और यहाँ पर प्रिंट कर देगा फ्लैग की वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब है कि हमारा एच वाले कंडीशन में जाएगा कि परसेंट डी मतलब एन मतलब 12 नंबर इज नॉट प्राइम। तो ये लूप अगर मान लो सपोर्टेड एन की वैल्यू 13 होगी तो 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 तक ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब अंदर आएगा नहीं, अंदर आएगा नहीं इसका मतलब क्या है कि एफ फ्लैग की वैल्यू चेंज हुई नहीं, चेंज नहीं हुई इसी कारण जो है इसको जो है फ्लैग आपका जो फ्लैग है वो आपका 0 ही रहेगा, इसका मतलब प्रिंट करेगा प्राइम परसेंटेज प्राइम नंबर। तो यहाँ पर दो रन कराते हैं, रन कराएंगे तो मान लो हमने 13 किया तो 13 को दिया परसेंटेज प्राइम नंबर, इस हिसाब से मान लो हमको 15 किया, 15 को दिखा देगा कि ये हमारा इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि अभी से 15 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा तो तुरंत वो आपका ब्रेक कट जाएगा, ठीक है। 17 को चेक किया, 17 ये प्राइम नंबर दिखा दिया। तो इस तरह करके आपको ये दो अप्रोच था प्राइम नंबर के लिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा गया होगा मुझे मालूम है, आप लोगों को टेंशन हो रहा होगा इतना ज्यादा बड़ा वीडियो बना दिया सर ने, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, कुछ चीजें समझानी जरूरी होती है। अगर समझ में आया, अगर आपको ये अप्रोच सही लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, अगर नहीं सही लगा तो मैं इसको और अच्छे तरीके आगे के वीडियो में इम्प्रूव करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।